वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो जी, आज हम सेटिंग अप के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम योर मॉड्यूल। और चैप्टर का नेम हमको दे रखा है वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस। इस चैप्टर में हमें डिस्कस क्या करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहली बात तो। अब देखो, इस चैप्टर में हमें डिस्कशन क्या क्या करनी है कि इस चैप्टर के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन दे रखे हैं कि अगर मान लो हमें एक NBFC कंपनी ओपन करनी है तो कहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं और कैसे परमिशन मिलती है। अगर हमको एक कमर्शियल बैंक ओपन करना है तो कैसे ओपन किया जाएगा। अगर हमको एक इंश्योरेंस कंपनी ओपन करनी है तो कैसे ओपन की जाएगी। अगर हमको टेलीकॉम सेक्टर में जैसे कि एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन ये सब जो कंपनीज हैं, अगर हमको भी इन्हीं की तरह टेलीकॉम सेक्टर में एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो किन से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर हमको मेडिकल लाइन के अंदर मेडिकल सेक्टर में काम करना है, रिटेल में या होलसेल में, तो कैसे काम किया जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसी तरह के बहुत सारे टॉपिक हमको इस चैप्टर में दे रखे हैं जिन पे हमें डिस्कशन करनी है। दोबारा बता रहा हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज NBFC। यूँ तो हमारे पास NBFC पे पूरा चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर 8 हमारे मॉड्यूल में है जो कम्प्लीटली NBFC की बात करता है कि NBFC कंपनी क्या होती है, NBFC और बैंक में डिफरेंस क्या है, टाइप्स ऑफ NBFCs भी उसमें एक्सप्लेन किए हुए थे। तो उसी टॉपिक को यूँ मान लो कि चैप्टर 8 की समरी आपको चैप्टर 13 में दे रखी है, ठीक है। पर यहाँ पे टाइप्स ऑफ NBFCs एक्सप्लेन नहीं किए हुए। NBFC कंपनी क्या होती है, NBFC कंपनी बैंक से कैसे डिफरेंट है, अलग है, वो डिफाइन किया हुआ है। उसके अलावा अगर हमको एक NBFC कंपनी ओपन करनी है तो क्या कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी और क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, वो आपको यहाँ पे देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले NBFC से। ये कह रहा है कि NBFC इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट दैट इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, रिसीविंग डिपॉजिट्स, सम NBFCs ओनली, एक्विजिशन ऑफ स्टॉक्स और शेयर्स, लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस बिजनेस, चिट बिजनेस। ये इतने सारे ऑब्जेक्टिव आपको दे रखे हैं NBFC कंपनी के। ये कह रहा है कि NBFC कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर होगी, पहली बात तो। दूसरा, उस कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, वो जो NBFC कंपनी है, वो एंगेज होगी, मतलब इन्वॉल्व होगी किसके अंदर, लोन और एडवांसेस के बिजनेस के अंदर, डिपॉजिट रिसीव करने के बिजनेस के अंदर। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है सम NBFCs ओनली। ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जितने भी तरह की NBFC कंपनीज होती हैं, सारी की सारी NBFC पब्लिक से डिपॉजिट रिसीव नहीं करती। कुछ NBFC कंपनीज ऐसे भी होती है जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग होती है, ऐसी NBFC कंपनीज जो पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट में सम NBFCs ओनली लिखा हुआ है। या फिर NBFC कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिक्योरिटी एक्वायर करने का भी हो सकता है, लीज पे एसेट वगैरह प्रोवाइड करना, ये भी ऑब्जेक्टिव किसी NBFC कंपनी का हो सकता है, हायर परचेज, इंश्योरेंस, चिट बिजनेस, मतलब NBFC कंपनी इनमें से किसी भी ऑब्जेक्टिव को कैरी ऑन करने के लिए बनाई जा सकती है। देयरफॉर NBFCs लैंड एंड टेक डिपॉजिट्स सिमिलर टू बैंक्स, हाउएवर देयर आर अ फ्यू डिफरेंसेस। तो कह रहा है कि जैसे हमने अभी इंट्रो में देखा कि NBFC कंपनी जो है वो पब्लिक को लोन देती है और पब्लिक से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है, मतलब NBFC कंपनी का ऑब्जेक्टिव एडवांसिंग लोन एंड रिसीविंग डिपॉजिट, टेकिंग डिपॉजिट, ये हो सकता है। देखिए ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, उसको हम समझते हैं। ये कह रहा है कि जो NBFC कंपनी है वो ये दो काम कर सकती है, कौन कौन से, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एंड
एडवांसिंग लोन्स टू पब्लिक। ये दो ऑब्जेक्टिव एनबीएफसी कंपनी के हो सकते हैं, पर यही ऑब्जेक्टिव किसके भी होते हैं सर? जो कमर्शियल बैंक होता है, जो हमारा कमर्शियल बैंक होता है, उसके भी ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव कमर्शियल बैंक के भी होते हैं, पर फिर भी एनबीएफसी और कमर्शियल बैंक में कुछ डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है वो हमें देखने हैं कि हमको किन डिफरेंसेस के बारे में लिखा हुआ है। देखिए, फर्स्ट लिखा हुआ है एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि एनबीएफसी कंपनी जो है वो डिपॉजिट लेती है पब्लिक से, पर कौन से डिपॉजिट नहीं लेगी? डिमांड डिपॉजिट नहीं लेगी। अब डिमांड डिपॉजिट कौन से होते हैं? देखो, एनबीएफसी कंपनी जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी पब्लिक से, पर कौन से एक्सेप्ट करेगी? यहां पे मैं नोट डाउन कर देता हूं, ओनली टाइम डिपॉजिट, इसको हम टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट कौन से होते हैं? ऐसे डिपॉजिट जो हम एक फिक्स टाइम के लिए बैंक के पास करते हैं, जैसे कि एफडी हो गई जिसको हम फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, या फिर आरडी रेकरिंग डिपॉजिट, जिसमें आप एक लमसम टाइम पीरियड के लिए, एक सर्टेन एक डिफाइंड टाइम पीरियड के लिए अपना पैसा बैंक के अंदर ब्लॉक कर देते हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो पैसा हम विदड्रॉ नहीं कर सकते, अगर हमको इमरजेंसी है और फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो हम कुछ चार्जेस पेनल्टी की फॉर्म में पे करके वो पैसे अपने विदड्रॉ कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं अगर आपने एफडी या आरडी की फॉर्म में पैसा जमा करवाया है बैंक में, तो जनरली उसको ये माना जाता है कि जितने टाइम के लिए वो पैसा जमा हुआ है बैंक के अंदर, उतने टाइम तक आप वो पैसे विदड्रॉ नहीं करने वाले। ठीक है, उसके बाद सेकंड डिफरेंस दे रखा है। तो फर्स्ट डिफरेंस का मतलब क्या बना कि जो कमर्शियल बैंक होता है वो टाइम डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है पब्लिक से और डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है पब्लिक से, पर एनबीएफसी कंपनी ओनली एंड ओनली टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है पब्लिक से, डिमांड डिपॉजिट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सेकंड लिखा हुआ है एनबीएफसी कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। सेकंड पॉइंट के अंदर ये बोल रहा है कि जैसे कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को चेक बुक इशू करते हैं, चेक के थ्रू हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं बैंक्स में, पर एनबीएफसी कंपनीज में ऐसा कोई सीन नहीं है। एनबीएफसी कंपनी कभी भी आपको चेक्स के थ्रू पेमेंट नहीं देगी, आपको चेक बुक इशू नहीं करेगी। थर्ड लिखा हुआ है एनबीएफसी डिपॉजिटर्स आर नॉट कवर्ड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। अब देखो इसका मतलब क्या बनता है, ये एक ऐसी स्कीम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। जनरली ये एक ऐसी पॉलिसी है जो बैंक्स के अंदर होती है। इस पॉलिसी में बैंक आपको, अगर बैंक कल को इंसॉल्वेंट हो गया है या बैंक ने कोई फ्रॉड किया है और आपका पैसा बैंक के पास जमा है, डिपॉजिट किया हुआ है अपने पैसा, तो इस स्कीम, इस पॉलिसी के अंडर आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगी, इसकी गारंटी है। मतलब आपके पैसे का क्या हो गया सर? इंश्योरेंस हो गया। अब जनरली हम इंश्योरेंस पे जब भी हम जनरली इंश्योरेंस करवाते हैं अपना, तो हम प्रीमियम पे करते हैं, पर ये एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसके अंदर आपको कोई भी प्रीमियम पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो और जनरली और अभी के टाइम पे इस पॉलिसी के अंडर आपका कितना पैसा इंश्योर्ड रहेगा सर? 5 लाख। इस पॉलिसी के अंडर अभी एट प्रेजेंट 5 लाख रुपीज तक आपको फॉर श्योर मिलेंगे। अगर आपके इतने पैसे बैंक अकाउंट के अंदर थे, अगर इतने पैसे आपके बैंक अकाउंट के अंदर थे और बैंक इंसॉल्वेंट हो गया है या बैंक ने कोई फ्रॉड किया है, तो आपको इतने पैसे कम से कम मिलेंगे बैंक से। ठीक है, तो ये स्कीम जो है वो कमर्शियल बैंक्स के अंदर होती है ये पॉलिसी, पर ऐसी कोई पॉलिसी एनबीएफसी कंपनीज के अंदर नहीं होती। तो हमने यहाँ पे 3 डिफरेंस देख लिए एनबीएफसी कंपनी में और कमर्शियल बैंक्स में, और कुछ डिफरेंस हम और भी बना सकते हैं। जैसे कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, पर एनबीएफसी कंपनीज में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपको एटीएम कार्ड, जिसको हम डेबिट कार्ड भी बोल देते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड इशू किया जाए। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा कमर्शियल बैंक है उसमें हम कैश क्रेडिट लिमिट की फैसिलिटी ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकते हैं, पर आपका जो एनबीएफसी कंपनीज है उनमें ऐसी कोई स्कीम नहीं होती।
तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे जो हमने डिस्कस किए एनबीएफसी और कमर्शियल बैंक्स के बीच में। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ एनबीएफसी लाइसेंस विद आरबीआई। अब कह रहे हैं कि अगर हमको एक एनबीएफसी कंपनी ओपन करनी है तो सबसे पहले हमको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर हमको एक एनबीएफसी कंपनी ओपन करनी है तो हमको एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, और वो लाइसेंस कहाँ से आएगा सर? आरबीआई से आएगा। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या जितने भी तरह की एनबीएफसीज होती हैं, अगर हमको कोई भी एनबीएफसी ओपन करनी है तो क्या हर केस में हमको लाइसेंस आरबीआई से चाहिए? ऐसा नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेटर दे रखा है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी तरह की एनबीएफसी ओपन करनी है और हर बार आपको लाइसेंस लेने के लिए आरबीआई के पास जाना पड़ेगा, ऐसा कोई भी मतलब सीन नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ एनबीएफसीज के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेटर है, तो देखा जाएगा कि हमको कौन सी एनबीएफसी ओपन करनी है, किस तरह की एनबीएफसी हमको ओपन करनी है, जो हम एनबीएफसी ओपन करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसी के ऑब्जेक्टिव के बेस पे रेगुलेटर डिसाइड होता है कि आपको कहाँ से सर्टिफिकेट या फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा। पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरली एनबीएफसी कंपनीज ओपन करने के लिए हमको लाइसेंस कहाँ से चाहिए? आरबीआई से चाहिए। द आरबीआई रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस एनबीएफसीज विच आर इन टू द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ लेंडिंग और एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, और फाइनेंशियल लीजिंग और हायर परचेज और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। देखो, अब इन्होंने यहाँ बता दिया कि अगर हमको ऐसी एनबीएफसी कंपनी ओपन करनी है जिसमें हम लोन देंगे पब्लिक को, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, हायर परचेज का बिजनेस करेंगे, फाइनेंशियल एसेट लीज पे देंगे, या फिर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे सिक्योरिटीज के अंदर, अगर हमको इन पांचों में से किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए एनबीएफसी ओपन करनी है तो हमको प्रायर लाइसेंस चाहिए। एनबीएफसी ओपन करने से पहले, एनबीएफसी के फॉर्म में काम करने से पहले आपको लाइसेंस कहाँ से चाहिए? आरबीआई से चाहिए। तो अगर आप इन पांचों में से किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना चाहते हो, इन पांचों में से, तो आपको लाइसेंस आरबीआई से लेना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी इज व्हेन अ कंपनीज फाइनेंशियल एसेट्स कंस्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स एंड इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स कंस्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ ग्रोस इनकम। अ कंपनी विच फुलफिल्स बोथ दिस क्राइटेरिया मस्ट हैव एनबीएफसी लाइसेंस। दिस टेस्ट फॉर एनबीएफसी लाइसेंस इज पॉपुलरली नोन एज 50-50 टेस्ट। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर हमने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की, अगर हमने एक कंपनी बनाई है और उस कंपनी को हम एनबीएफसी कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और हम एक ऐसे ऑब्जेक्टिव के साथ काम करना चाहते हैं एज एन एनबीएफसी कंपनी जिसमें लाइसेंस किससे चाहिए होता है? आरबीआई से चाहिए होता है। तो आरबीआई से लाइसेंस लेने से पहले आपको एक 50-50 टेस्ट जो है वो पास करना पड़ेगा। अब इस टेस्ट में क्या लिखा हुआ है वो देखिए, जो हमारा ये 50-50 टेस्ट दिया हुआ है इसको हम समझते हैं। 50-50 टेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग एनबीएफसी लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई, ये हमारा टॉपिक है। ये कह रहा है कि अगर आपको आरबीआई से लाइसेंस चाहिए ताकि आप एज ए एनबीएफसी काम कर सको, तो आपको 50-50 टेस्ट पास करना पड़ेगा। अब 50-50 टेस्ट के अंदर आपको दो कंडीशन दे रखी है, मतलब वो दोनों कंडीशन पूरी करनी है आपको, ठीक है, और दोनों कंडीशन एंड वर्ड के बीच में है, मतलब दोनों कंडीशन एक साथ पूरी करनी पड़ेगी। आपकी जो फाइनेंशियल एसेट्स होंगी, फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ कंपनी मस्ट बी 50% ऑफ टोटल एसेट्स, फाइनेंशियल
फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या होता है? कैश। फाइनेंशियल एसेट में क्या क्या आ सकता है? कैश, सिक्योरिटी, बैंक डिपॉजिट एटसेट्रा। और एसेट्स जनरली हम कहाँ शो करते हैं सर? बैलेंस शीट में शो करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी कंपनी है, जिस कंपनी को हम एनबीएफसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मान लो कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी बनी हुई है, उस कंपनी को हम एनबीएफसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस कंपनी में हम एज अ एनबीएफसी काम करना चाहते हैं, तो हम लाइसेंस के लिए कहाँ जाएंगे? आरबीआई के पास जाएंगे कि जी हमने एक कंपनी बना रखी है और हमको अब एज अ एनबीएफसी कंपनी काम करना है, तो आप हमको एनबीएफसी कंपनी का लाइसेंस दे दो ताकि हम एज अ एनबीएफसी मार्केट में काम कर सके। तो आरबीआई क्या बोलेगा कि हम आपको एनबीएफसी कंपनी का लाइसेंस तो दे देंगे, पर पहले आप हमें ये बताओ कि क्या आप 50-50 टेस्ट को पास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हमने कहा जी उस टेस्ट में क्या होता है बता दो हमको। तो आरबीआई क्या बोल रहा है कि आपकी कंपनी की जो टोटल एसेट्स हैं, हमारी कंपनी की जो बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स आ रही है, उसका क्या एटलीस्ट हाफ 50% फाइनेंशियल एसेट की फॉर्म में है या नहीं है। अगर हमारी कंपनी की टोटल एसेट्स बैलेंस शीट में मान लो आ रही है 100 करोड़ रुपए, तो 100 करोड़ का हाफ एटलीस्ट 50% 50 करोड़, तो 50 करोड़ जो एसेट्स हैं वो फाइनेंशियल एसेट की फॉर्म में होने जरूरी है। ये हमारी पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 50% इनकम, एटलीस्ट 50% इनकम शैल बी फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द ग्रोस टोटल इनकम। इसका मतलब क्या बना कि जो हमारी कंपनी है, जिस कंपनी को हम एनबीएफसी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उस कंपनी की ग्रोस टोटल इनकम कितनी है? ग्रोस इनकम कौन सी होती है? वो इनकम जिसमें से टैक्स वगैरह खर्चे वगैरह माइनस नहीं होते। ठीक है, तो हमारी कंपनी की जो ग्रोस इनकम होगी उसका हाफ कर दो। मान लो हमारी कंपनी की जो ग्रोस इनकम है वो है 60 करोड़ रुपीज, 60 करोड़ रुपए हमारी कंपनी की ग्रोस इनकम है, उसका हाफ एटलीस्ट 30 करोड़ रुपीज जो इनकम है वो कहाँ से होनी चाहिए? फाइनेंशियल एसेट से होनी चाहिए। जो फाइनेंशियल एसेट्स हमारे पास थी उससे भी आपकी इनकम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम से कम आधी। किसकी? ग्रोस इनकम की आधी इनकम आपकी फाइनेंशियल एसेट से हो रही है या नहीं हो रही ये देखा जाएगा। तो इसको हम कंप्लीटली बोल रहे हैं 50-50 टेस्ट। तो 50-50 टेस्ट के अंदर आपको दो कंडीशन पूरी करनी है, एक कंडीशन एसेट्स के लिए थी और दूसरी कंडीशन जो है वो इनकम के लिए। अगर आप ये दो कंडीशन पूरी करते हो फिर आरबीआई सोचेगा कि आपको लाइसेंस देना है नहीं देना, क्योंकि सिर्फ ये दो ही कंडीशन नहीं होती, हमारे पास और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनको भी पूरा करना पड़ता है और वो हम अभी पढ़ेंगे, हमको दे रखी है। चलिए जी अब हम आगे चलते हैं। तो हमने 50-50 टेस्ट के बारे में डिस्कशन कर ली कि 50-50 टेस्ट क्या बोल रहे हैं। अब देखो, अभी आपको मैंने बताया था कि क्या हर एक एनबीएफसी कंपनी आरबीआई से रेगुलेट होती है, क्या हर एक एनबीएफसी कंपनी को लाइसेंस आरबीआई से चाहिए? सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी एनबीएफसी कंपनीज हैं जिनका रेगुलेटर आरबीआई है, और बहुत सारी ऐसी एनबीएफसी कंपनीज भी हैं जिनका रेगुलेटर आरबीआई के अलावा कोई और भी है। तो यहाँ पे वही टॉपिक दिया हुआ है, फाइनेंशियल कंपनीज एग्जम्प्ट फ्रॉम लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। ये कह रहा है कि ऐसी कौन कौन सी एनबीएफसी कंपनीज हैं जिनको आरबीआई से लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोई भी लाइसेंस नहीं चाहिए, उनको लाइसेंस तो चाहिए पर लाइसेंस आरबीआई से नहीं चाहिए, कहीं और से चाहिए, किसी और रेगुलेटर से चाहिए, उनके नाम दे रखे हैं। जैसे अगर हमको एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, हमको एक ऐसी एनबीएफसी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है जो एचएफसी होगी, एचएफसी मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी
एनबीएफसी होगी। एनबीएफसी एचएफसी आपको इनकॉर्पोरेट करनी है तो हमको नेशनल हाउसिंग बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर हमको एक ऐसी एनबीएफसी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है जो इंश्योरेंस का बिजनेस करने वाली है, तो आपको लाइसेंस IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से परमिशन मतलब लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसी यहाँ पे दे रखी है और उनका रेगुलेटर कौन है सब कुछ यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसी का रेगुलेटर डिफरेंट होता है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रिक्वायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस। अगर हमको एनबीएफसी लाइसेंस चाहिए तो हमें किन कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा वो देखिए। एक तो कंडीशन पढ़ के आ चुके हैं ऊपर हम, 50-50 टेस्ट हमें पास करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास और क्या कंडीशंस हैं जिन्हें फुलफिल करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि अगर हमको एक एनबीएफसी कंपनी खोलनी है, ओपन करनी है, तो सबसे पहले हमारी एंटिटी कंपनी होनी चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप फर्म को एनबीएफसी कंपनी बनाना चाहते हो, नहीं बनेगी। एलएलपी को एनबीएफसी कंपनी बनाना चाहते हो, नहीं बनेगी। आपकी एंटिटी का बेस क्या होना चाहिए? कंपनी की फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपकी एंटिटी का बेस कंपनी का नहीं है तो कभी भी एनबीएफसी कंपनी नहीं बनेगी, क्योंकि तो एनबीएफसी के फुल फॉर्म क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो आपकी जो एंटिटी है वो कंपनी की फॉर्म में होनी चाहिए जिसको आपको एनबीएफसी का स्टेटस दिलवाना है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी वो जो कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, वो कंपनी कैसी भी हो सकती है। वो जो हमारी कंपनी है वो कैसी भी चलेगी, प्राइवेट कंपनी भी चलेगी और पब्लिक कंपनी भी चलेगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि अगर हमको एक एनबीएफसी कंपनी ओपन करनी है, अगर हमको एक एनबीएफसी कंपनी ओपन करनी है तो सबसे पहले जो हमारी एंटिटी है वो कंपनी की फॉर्म में होनी चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो जो कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, मतलब चाहे कंपनी प्राइवेट है चाहे कंपनी पब्लिक है, दोनों ही हम एनबीएफसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कंडीशन नंबर टू। कंडीशन नंबर टू में क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि जिस कंपनी को हमें एनबीएफसी में कन्वर्ट करना है उसका मिनिमम नेट ओन्ड फंड 200 लाख रुपए होना जरूरी है। तो एक ये कंडीशन हमको दे रखी है। तो 50-50 टेस्ट हो गया हमारे पास। उसके अलावा दो कंडीशन हमने और देख ली कि जो एंटिटी है वो पहले से कंपनी की फॉर्म में होनी चाहिए, चाहे प्राइवेट कंपनी है चाहे पब्लिक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। और तीसरी कंडीशन क्या हो गई, जिस कंपनी को हमें एनबीएफसी में कन्वर्ट करना है उसका मिनिमम नेट ओन फंड जो है वो 200 लैक्स होना जरूरी है। अब आ जाओ आगे। आगे लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ नेट ओन्ड फंड एज पर आरबीआई डेफिनेशन। अब कह रहे हैं कि जो हमको कंडीशन दे रखी थी मिनिमम नेट ओन्ड फंड 200 लाख का होना चाहिए, वो नेट ओन्ड फंड कैसे फाइंड किया जाएगा उसका आपको फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है। और ये इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में आया भी था कि अगर हमको एक एनबीएफसी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम नेट ओन्ड फंड कैसे फाइंड किया जाता है वो एक्सप्लेन करो। तो जो नेट ओन्ड फंड की रिक्वायरमेंट हमारी है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला आपको दे रखा है। तो इसमें कुछ चीजें हमें ऐड करनी पड़ेगी नेट ओन्ड फंड निकालने के लिए और कुछ चीजें हमें माइनस करनी पड़ेगी नेट ओन्ड फंड निकालने के लिए। ऐड ऑन क्या क्या करेंगे, पेड अप इक्विटी कैपिटल। पेड अप इक्विटी कैपिटल उसमें हम ऐड कर देंगे फ्री रिजर्व्स को। उसके अलावा अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर कोई बैलेंस पड़ा है वो भी हम ऐड ऑन करेंगे। और चौथा दिया हुआ है कैपिटल रिजर्व रिप्रेजेंटिंग सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ प्रोसीड्स ऑफ एसेट। अगर कंपनी ने अपने कोई एसेट्स वगैरह सेल की थी, उससे जो प्रॉफिट आया था उसको अपने कैपिटल रिजर्व के फॉर्म में मेंटेन किया हुआ है, तो वो भी हम ऐड ऑन कर देंगे। तो चार चीजें हमें ऐड करनी है, पेड अप इक्विटी कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस, और चौथा कंपनी ने अपनी कोई एसेट सेल की थी उसका जो प्रॉफिट आया था अगर आपने उस प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व की फॉर्म में मेंटेन किया हुआ है तो उसको भी हम ऐड ऑन करेंगे। तो चार चीजें ऐड करेंगे और माइनस क्या करना है, देखो एक्यूमुलेटेड लॉसेस मतलब पुराने इकट्ठे किए हुए लॉसेस जो हैं उनको हम माइनस करेंगे, और दूसरा
इनटेंजिबल एसेट्स जो हमारी बैलेंस शीट में आ रही है उनकी बुक वैल्यू क्या है, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ठीक है, इनके जो बुक वैल्यू है उसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चार चीजें ऐड करेंगे और दो चीज माइनस करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम बोल रहे हैं नेट ओन फंड। और वो जो वैल्यू है वो कम से कम 200 लाख होनी जरूरी है एनबीएफसी कंपनी का लाइसेंस लेने के लिए। आगे लिखा हुआ है पैराग्राफ के अंदर, फर्दर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर एनबीएफसीज एंड इन शेयर्स डिबेंचर्स ऑफ सब्सिडरीज एंड ग्रुप कंपनीज इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द ओन्ड नेट फंड मेंशन्ड अबव विल बी डिडक्टेड टू अराइव नेट ओन्ड फंड। अब देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जिस कंपनी को हमें एनबीएफसी में कन्वर्ट करना है, एबीसी लिमिटेड कंपनी का नाम है जिस कंपनी को हमें एनबीएफसी का स्टेटस दिलवाना है। अब कह रहे हैं कि अगर उस एबीसी कंपनी ने अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है कहाँ पे, किसी अदर एनबीएफसी कंपनी में, या फिर एबीसी कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, या एबीसी कंपनी की कोई ग्रुप कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिस कंपनी को हमें एनबीएफसी का स्टेटस दिलवाना है, एबीसी कंपनी को, अगर उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है कहाँ पे, किसी अदर एनबीएफसी में, अपनी सब्सिडरी में, या फिर अपनी किसी ग्रुप कंपनी के अंदर, और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो 10% से अबव है, इसका ओन्ड फंड का, खुद के जो फंड्स हैं उसका 10% से अबव की इन्वेस्टमेंट है, तो जो 10% से अबव की इन्वेस्टमेंट है उतना पैसा इन्वेस्टमेंट का हम माइनस करेंगे फाइंड करने के लिए नेट ओन्ड फंड को। तो माइनस करने के लिए यू तो हमारे पास दो ही वैल्यू दे रखी थी, कौन कौन सी, एक्युमुलेटेड लॉसेस और दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स की बुक वैल्यू, ये दो ही चीज माइनस करते हैं जनरली। पर एक चीज हमें और दे रखी है जो हर बार नहीं आएगी, जो हम हर बार माइनस नहीं करेंगे, थर्ड चीज जो दे रखी है वो पैराग्राफ में लिखी हुई है, और वो हम कब माइनस करते हैं, अगर जिस कंपनी को हमें एनबीएफसी में कन्वर्ट करना है उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है खुद के फंड से 10% से अबव, ओन्ड फंड से 10% से अबव की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है उसको हम माइनस करेंगे नेट ओन्ड फंड फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला बनता है यहाँ पे नेट ओन्ड फंड कैसे फाइंड करते हैं उसको लेकर के। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, अप्लाइंग फॉर एनबीएफसी लाइसेंस। अब अगर हमें एनबीएफसी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो पहले हमें वो सारी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। सर कौन कौन सी कंडीशन देखी हमने, एक तो 50-50 टेस्ट देख लिया हमने जो पूरा करना पड़ेगा, दूसरा हमारी जो एंटिटी है वो कंपनी के फॉर्म में होनी चाहिए, तीसरा हमारी कंपनी का मिनिमम नेट ऑन फंड 200 लाख रुपए होना चाहिए। अगर हम इन कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, तब हम अप्लाई करेंगे एनबीएफसी लाइसेंस के लिए कहाँ पे, आरबीआई के पास, ठीक है। और कह रहा है कि जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करते हो आरबीआई के पास तो साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे एप्लीकेशन के साथ, उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है आपको, तो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने इंपॉर्टेंट है। ये भी देखिए क्या लिखा हुआ है, द एप्लीकेशन फॉर एनबीएफसी लाइसेंस मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू द रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई। तो कह रहा है कि अगर हमें किसी कंपनी को एनबीएफसी में कन्वर्ट करना है तो हमको जो डॉक्यूमेंट्स है वो कहाँ सबमिट करने पड़ेंगे, सर रीजनल ऑफिस, आरबीआई का जो रीजनल ऑफिस होगा हमें वहां पे इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ेगा विद एप्लीकेशन फॉर्म। द फॉलोइंग आर द डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी सबमिटेड फॉर एनबीएफसी लाइसेंस, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी लिस्ट दे रखी है आपको। अब हम उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन अबाउट द मैनेजमेंट। जिस कंपनी को हमें एनबीएफसी में कन्वर्ट करना है उस कंपनी का मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है, मतलब बीओडी में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, कंपनी का सीईओ कौन है, कंपनी का चेयरमैन कौन है, कंपनी के की मैनेजरियल पर्सनल केएमपी कौन कौन है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको लिख करके एक लिस्ट बना करके देनी है। सेकंड में क्या बोल रहा है, कंपनी का सीओआई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मांग रहे हैं आपसे। थर्ड बोल रहा है कंपनी का एमओए एंड कंपनी का एओए मांगा जा रहा है। फोर्थ कंपनी का पैन कार्ड, इसकी कॉपी भी आपको देनी है। पॉइंट नंबर फाइव, कंपनी के जितने भी डायरेक्टर हैं जिस कंपनी को हम एनबीएफसी में कन्वर्ट करने वाले हैं उस कंपनी में जितने भी डायरेक्टर हैं उन सबके प्रोफाइल, प्रोफाइल मतलब उनका नेम, उनका बैकग्राउंड, उन्होंने क्या पढ़ाई कर रखी है, क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, वो सब
हर एक डायरेक्टर का अलग अलग पेज पे नोट डाउन करेंगे और उनके साइन करवाएंगे, तो वो डॉक्यूमेंट हमें अटैच करने हैं। आगे लिखा हुआ है कि अगर हमारी कंपनी, जिस कंपनी को हमें एनबीएफसी में कन्वर्ट करना है, उसके जो डायरेक्टर हैं, उस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, अगर उनको प्रीवियस किसी एनबीएफसी कंपनी का एक्सपीरियंस है, पहले से वो ऑलरेडी किसी और एनबीएफसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या कभी रहे थे, तो वो भी आपको शेयर करना है, उसका भी सर्टिफिकेट। बोर्ड रेजोल्यूशन स्पेसिफिकली अप्रूविंग द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड इट्स कंटेंट एंड ऑथराइज सिग्नेटरी, कंपनी में बीआर पास किया जाएगा कि हम अपनी कंपनी को एनबीएफसी का स्टेटस दिलवाना चाहते हैं, तो वो बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी प्लस में कौन सा डायरेक्टर या कौन सा पर्सन ऐसा है जिसको आपने ऑथोराइज किया हुआ है कंपनी को एनबीएफसी का स्टेटस दिलवाने के लिए, जो सारे काम संभाल रहा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है बीआर टू द इफेक्ट दैट कंपनी हैज नॉट एक्सेप्टेड एनी पब्लिक डिपॉजिट इन द पास्ट स्पेसिफाई पीरियड, डज नॉट होल्ड एनी पब्लिक डिपॉजिट एज ऑन द डेट एंड विल नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स इन फ्यूचर विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई इन राइटिंग। अब यहाँ पे हम एक बीआर और पास कर रहे हैं। इस बीआर में क्या लिख रहे हैं कि जिस कंपनी को हम एनबीएफसी का स्टेटस दिलवाना चाहते हैं, उस कंपनी ने कभी भी पास्ट में कोई पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किए, ठीक है, डज नॉट होल्ड, अभी प्रेजेंट में कोई भी पब्लिक डिपॉजिट होल्ड नहीं कर रही और फ्यूचर में भी कोई पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिना आरबीआई के परमिशन के, ऐसा आपको बीआर में लिख करके वो बीआर की कॉपी सबमिट करनी है रीजनल ऑफिस के अंदर। आगे लिखा हुआ है एक बोर्ड रेजोल्यूशन और चाहिए स्टेटिंग दैट द कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी एनबीएफसी एक्टिविटी एंड विल नॉट कैरी ऑन और कमेंस द सेम बिफोर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई, कि जो हमारी कंपनी है जिसको हम एनबीएफसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमारी कंपनी प्रेजेंट में कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रही जो एनबीएफसी का स्टेटस या एनबीएफसी का सर्टिफिकेट आने के बाद परफॉर्म होती है, मतलब हम प्रेजेंट में एज ए एनबीएफसी कंपनी काम नहीं कर रहे, ऐसा बीआर में लिख के आपको सबमिट करना है। साथ ही साथ ये बात भी लिखनी है कि हम जब भी एनबीएफसी कंपनी के फॉर्म में काम करेंगे, लाइसेंस सर्टिफिकेट आने के बाद ही काम करेंगे, उससे पहले काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिया हुआ है आपको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ फेयर प्रैक्टिस कोड, एक बीआर और पास करना है। इसमें क्या लिखा जाएगा कि जब भी हम एनबीएफसी कंपनी की फॉर्म में काम करेंगे सर्टिफिकेट आने के बाद, तो हम फेयरली काम करेंगे। फेयर प्रैक्टिस कोड मतलब हम ऐसे ऐसे तरीकों से काम करेंगे जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए होगा, पब्लिक के लिए फेयरली होगा, मतलब हम कभी भी अपने फायदे के लिए काम नहीं करेंगे, हम पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम करेंगे। उसकी पॉलिसीज क्या क्या हैं, उसके स्टैंडर्ड क्या क्या हैं जो आपने डिसाइड किए हैं, उनको आपको लिख करके बीआर में देना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है जो हमारी कंपनी का स्टेचुटरी ऑडिटर होगा, उससे सर्टिफिकेट लेंगे कि कंपनी प्रेजेंट में कोई भी डिपॉजिट होल्ड नहीं कर रही और कंपनी फ्यूचर में भी बिना आरबीआई के परमिशन के डिपॉजिट होल्ड नहीं करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी। दूसरा सर्टिफिकेट दे रहा है ऑडिटर किस चीज का, कि कंपनी प्रेजेंट में कोई भी एनबीएफसी कंपनी वाला काम नहीं कर रही बिना सर्टिफिकेट के। तीसरा सर्टिफिकेट दे रहा है कौन ऑडिटर किस चीज का, कि कंपनी के जो मिनिमम नेटवर्क फंड की रिक्वायरमेंट है, दैट इज 200 लाख रुपीज, वो कंपनी ने फुलफिल कर ली है। आगे लिखा हुआ है और डॉक्यूमेंट क्या जाएगा, डिटेल्स ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, जिस कंपनी को हम एनबीएफसी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, उस कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या है, उसकी डिटेल जाएगी, कितनी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कंपनी की है, शेयर की पर शेयर की वैल्यू क्या है, टोटल शेयर्स कितने हैं, ऐसे आपको लिख के डिफाइन करना है। प्लस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, मतलब कंपनी के शेयर्स कौन कौन होल्ड कर रहा है, कितने कितने होल्ड कर रहा है, उसके भी डिटेल आपको सबमिट करनी है रीजनल ऑफिस के पास। नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉपी ऑफ फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट एंड बैंकर सर्टिफिकेट ऑफ नो लीन इंडिकेटिंग बैलेंसेस इन सपोर्ट ऑफ नेट ऑन फंड। अब देखो यहां क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि कंपनी का जो नेट ऑन फंड है उसकी रिक्वायरमेंट कंपनी ने पूरी कर ली है, ठीक है, कंपनी का जो नेट ऑन फंड है उसकी रिक्वायरमेंट कंपनी ने पूरी कर ली, और वो कितना था सर, मिनिमम 200 लाख रुपए था, और वो जो नेट ऑन फंड का पैसा है वो पूरा का पूरा पैसा कंपनी का है, उस पे किसी और का अधिकार नहीं है। लीन मतलब कब्जा, अधिकार, आगे नो वर्ड दे रखा है, मतलब जो कंपनी का नेट ऑन फंड का बैलेंस निकल के आया वो पूरा का पूरा पैसा कंपनी का ही है, उसका उस पैसे पे किसी और थर्ड पार्टी का कोई भी अधिकार नहीं है, ऐसा आपको सर्टिफिकेट कहां से लेना है, बैंक से लेना है, क्योंकि वो पैसा कहां रखा होगा कंपनी का, बैंक में रखा होगा कैश एट बैंक के फॉर्म में, ठीक
ठीक है, या डिपॉजिट के फॉर्म में, तो वो पैसा कंप्लीटली कंपनी का ही है या नहीं है, ऐसा बैंकर जो बैंक का मैनेजर है वो सर्टिफिकेट लिख करके देगा। तो वो सर्टिफिकेट जो बैंकर देगा आपको, वो रीजनल ऑफिस के पास सबमिट करना है विद अदर डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ बैंक बैलेंसेस, बैंक अकाउंट्स, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस ऑफ ब्रांच बैंक, लोन क्रेडिट फैसिलिटीज एटसेट्रा अवेल्ड। जिस कंपनी को हम एनबीएफसी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं उस कंपनी के कितने बैंक अकाउंट हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, उन बैंक के एड्रेस और उन बैंक अकाउंट्स के अंदर कितने कितने पैसे कंपनी के पड़े हैं, उसके डिटेल आपको सबमिट करनी है। और नेक्स्ट लिखा हुआ है कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे जिसमें हम P&L कवर करते हैं और बैलेंस शीट कवर करते हैं, वो भी आपको सबमिट करनी है रीजनल ऑफिस के पास, कितने सालों की, पिछले 3 सालों की। तो ये सब वो डॉक्यूमेंट थे जो आपको सबमिट करने हैं रीजनल ऑफिस के पास, किस चीज के लिए सर, एक एनबीएफसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा एनबीएफसी का टॉपिक है वो खत्म हो गया है कि एक एनबीएफसी कंपनी क्या होती है, उसका एक कमर्शियल बैंक से डिफरेंस कैसे है ये हमने डिस्कस किया। उसके अलावा एनबीएफसी कंपनी जो है वो हमें अगर ओपन करनी है तो किन किन कंडीशंस को फॉलो करना है, उसमें हमने 50-50 टेस्ट के बारे में पढ़ा। उसके अलावा एंटिटी कंपनी होनी चाहिए इसके बारे में पढ़ा, कंपनी चाहे पब्लिक है चाहे प्राइवेट है दोनों चलेंगी। उसके अलावा मिनिमम नेटवर्न फंड की रिक्वायरमेंट है वो हमने डिस्कस की। उसके अलावा हमने एक चीज और डिस्कस की कि क्या हर एक एनबीएफसी कंपनी आरबीआई से कंट्रोल होती है, सर ऐसा नहीं है, बहुत सारी ऐसी एनबीएफसी कंपनीज भी है जिनका रेगुलेटर आरबीआई ना होकर के कोई और भी होता है। और लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया कि अगर हमको एक एनबीएफसी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो हमें इकट्ठे करने पड़ते हैं और सबमिट करने पड़ते हैं, कहाँ पे, रीजनल ऑफिस के पास। रीजनल ऑफिस किसका सर, आरबीआई का। और एक बात और, जो हमने डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं ये कंप्लीट नहीं है, इनकी लिस्ट और भी है, इस लिस्ट में और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, पर जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे जो हमारे काम के थे जिनको हम समझ सकते थे वो सब मैंने आपके नोट्स के अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, आज क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। आज के क्लास में हमने एनबीएफसी पे डिस्कशन की है, तो ये आपको घर पे पढ़ना है, और कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझसे ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।